रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म एनिमल इन दिनों खूब चर्चा में है। इसमें रणबीर का लुक भी लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, साथ ही फिल्म की ड्यूरेशन को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं कि ये फिल्म काफी लंबी होने वाली है। अगर ऐसा है तो रणबीर कपूर की ये फिल्म उनके करियर की सबसे लंबी फिल्म होने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 2 मिनट का है, लेकिन इससे पहले ये रिकॉर्ड किस फिल्म के नाम था आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा सागर। इससे पहले 2018 में रिलीज हुई रणबीर कपूर स्टारर संजू 2 घंटे 41 मिनट और 2011 में रिलीज हुई फिल्म रॉक स्टार 2 घंटे 39 मिनट लंबी थी। वहीं एनिमल की बात करें तो इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि फिल्म का रन टाइम 3.5 घंटे का है, पर अब चर्चा है कि मेकर्स ने इसे घटाकर 3 घंटे कर दिया है। हालांकि अब तक इस पर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। एनिमल को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले संदीप के निर्देशन में बनी विजय देवरा कोंडा स्टारर अर्जुन रेड्डी का रन टाइम भी 3 घंटे 2 मिनट का ही था। बाद में संदीप ने शाहिद कपूर को लेकर कबीर सिंह नाम से इसका हिंदी रीमेक बनाया था। कबीर सिंह का रन टाइम 2 घंटे 52 मिनट का था। मंगलवार को मेकर्स ने फिल्म एनिमल का नया गाना पापा मेरी जान भी रिलीज कर दिया है। ये एक इमोशनल ट्रैक है जिसे सोनू निगम ने अपनी आवाज दी है। सॉन्ग में रणवीर के किरदार के बचपन की भी झलक दिखाई गई है। एनिमल एक गैंगस्टर ड्रामा है जिसकी कहानी बाप और बेटे के रिश्ते के बैकड्रॉप पर बेस्ड है। रणवीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल स्टारर ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इसका क्लैश विक्की कौशल स्टारर सैम बहादुर से होने वाला है। तो वैसे इन दोनों मूवीज में से आप किस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट में बता देना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए द वोकल न्यूज़।